और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10 का हमारा टॉपिक साइंस का है, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। दोस्तों, विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, तब हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि आवेश के पर समय में जो प्रवाह होता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। और दोस्तों, जो आवेश जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उन्हीं के कारण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि माइनस चार्ज होता है। प्रति एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, वह परिणाम विद्युत धारा को बताता है। विद्युत धारा को I से शो किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि I। दोस्तों, I बराबर होता है Q/T, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आवेश के प्रवाह की दर है, या एकांक समय में आवेश। धातु के तार होते हैं, इसमें आवेश यानी कि करंट प्रवाहित होता है, और आवेश के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा हमेशा बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण से प्लस की ओर प्रवाहित होते हैं। तो दोस्तों, आवेश का जो प्रवाह है, यहाँ पे देखिए, तार के अंदर इस प्रकार हो रहा है, यानी कि बाएं दिशा से दाएं ओर आवेश प्रवाहित हो रहा है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय टी में नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा आई को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, या इस प्रकार व्यक्त करते हैं, यानी कि आई बराबर होता है दोस्तों Q/T। आई का जो मात्रक है, विद्युत धारा का जो मात्रक है, वो होता है एम्पियर। और विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, वह है आमीटर। और आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ के, यानी कि आमीटर विद्युत धारा को मापता है और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी कि आमीटर को विद्युत धारा के या सर्किट के या विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज सीक्वेंस में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आई बराबर क्या है? आई बराबर Q/T है। क्यू यहाँ पे आवेश है जिसका मात्रक है कूलाम, टी यहाँ पे टाइम है जिसका मात्रक है सेकंड, यानी कि आई बराबर Q/T, यानी कि कूलाम बटे समय, यानी कूलाम बटे सेकंड बराबर एम्पियर। और एम्पियर क्या है? ये विद्युत धारा का मात्रक है, यानी कि I बराबर Q/T या I बराबर Q/T, अर्थात विद्युत धारा जो I है, वो विद्युत आवेश बटे टाइम, यानी कि समय के बराबर होती है। यानी कि I बराबर Q/T। यहाँ Q क्या है? यहाँ विद्युत आवेश है जिसका मात्रक कूलाम है और समय का मात्रक सेकंड है। चूँकि विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम है, तो दोस्तों आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलाम। इसलिए विद्युत धारा का जो SI मात्रक क्या होगा? कूलाम बटे सेकंड या कूलाम प्रति सेकंड। तो दोस्तों, विद्युत धारा का जो मात्रक है कूलाम बटे सेकंड, जिसे हम सामान्यतः एम्पियर भी कहते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या निकल के आता है? कूलाम बटे सेकंड या एम्पियर, यानी कि एम्पियर यानी कि ए। दोस्तों, इसको ए से डिनोटेट किया जाता है, यानी कि ए से शो किया जाता है इसको, एम्पियर को। अब दोस्तों, एक एम्पियर क्या होता है? जब हम एक कूलाम आवेश को एक सेकंड में प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा का मान एक एम्पियर के बराबर होगा। एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश के प्रवाह से होता है। यानी किसी परिपथ में अगर एक कूलाम आवेश एक सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा एक एम्पियर के बराबर होगी। इसका मात्रक आंद्रे मेरी एम्पियर के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, यानी कि मेरी एम्पियर के नाम पर
विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर रखा गया, यानी कि ए रखा गया, और इसको ए से डिनोटेट किया जाता है। अल्प परिमाण की विद्युत धारा यानी कि छोटी जो विद्युत धारा की जो है कम परिणाम की, उसके लिए विभिन्न मात्रकों के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, जैसे छोटे छोटे मात्रक जैसे मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है, इस तरह से शो किया जाता है छोटे मात्रक के लिए, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो दोस्तों मिली एम्पियर इसका मतलब क्या है, एक मिली एम्पियर बराबर होता है 10^-3 एम्पियर, यानी कि 1000 का भाग दिया जाता है। और माइक्रो एम्पियर होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10^-6 एम्पियर। दोस्तों मिली छोटी इकाई और माइक्रो और भी छोटी इकाई है। अब बात करते हैं हम विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा का एक क्लोज सर्किट, बंद जो पथ होता है, बंद रास्ता जो होता है, उसे विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे विद्युत बल्ब हैं, बैटरी हैं, कुंजी हैं, एमीटर हैं, तार यानी कि वायर हैं, और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है, और ये एक बंद पथ बन जाता है। देखिए यहाँ पे बैटरी की एक प्लस सिरा और एक माइनस सिरा, यहाँ दो सेल की बैटरी आपके सामने है, इसको वायर से एक बल्ब से जोड़ा गया है, फिर श्रेणी क्रम में एक एमीटर जोड़ा गया है, फिर एक कुंजी के जोड़ी गई है। कुंजी जो होती है एक प्रकार का प्लग होता है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और क्लोज कर लेते हैं, जब ओपन करते हैं तो करंट बहना बंद हो जाता है, इसे हम स्विच भी कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ एक बंद कुंजी का डायग्राम दिखाया गया है, और ये सेल हैं जो कि विद्युत के स्रोत हैं। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। तो दोस्तों एमीटर क्या है, एमीटर वह यंत्र है या वह डिवाइस है जिसकी सहायता से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम होता क्या है, श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज बाय सीरीज, यानी कि परिपथ में ही साथ में जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर जोड़ रखा है एक प्रतिरोध के साथ। तो वोल्ट मीटर कौन से क्रम में है, ये समांतर या पार्श्व क्रम में है। कौन से क्रम में, समांतर और पार्श्व। और वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर मापता है। देखिए यहाँ पे इसी के बाद एमीटर जोड़ा गया है जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसके बाद कुंजी वो भी श्रेणी क्रम में है। तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये एमीटर और वोल्ट मीटर में भी महत्वपूर्ण अंतर है। एमीटर क्या मापता है, विद्युत धारा को मापन करता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है, ये विद्युत विभवांतर को मापता है। किसी भी प्रतिरोध के दो सिरों के मध्य विभव का अंतर होगा तभी विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है। हमेशा विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, एक एग्जाम्पल्स 12.1 आप देखिए, एक सवाल है, बहुत ही बारीकी से हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। देखिए किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है और टाइम टी दिया हुआ है। टाइम टी कितना है, 10 मिनट, हमें सेकंड में निकालना है। तो 10 मिनट बराबर 600 सेकंड। अब देखिए क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, और आई बराबर क्या होता है, क्यू बट टी। आई बराबर क्यू ओपन टी यानी कि क्यू बट टी, और क्यू बराबर आई टी। तो क्यू का मान हमारे पास निकालना है, तो आई का मान देखिए, आई हमारे पास है 0.5 एम्पियर, और टाइम भी आपके पास दिया हुआ है कितना है, टाइम है 600 सेकंड, 10 मिनट बराबर 600 सेकंड। तो देखिए क्यू बराबर आई टी होता है, यानी कि आई बराबर क्यू ओपन टी होता है। अब देखिए आई बराबर क्यू ओपन टी यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, तो आवेश बराबर क्या होगा, विद्युत धारा इंटू समय। तो यानी कि क्यू बराबर आई मल्टीप्लाई टी।
अब आपके पास आई का मान दिया हुआ है और टाइम का मान दिया हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 0.5 एम्पियर गुणा 600 सेकंड बराबर आ जाएगा 300 कूलम। दशमलव से दशमलव के एक जीरो नीचे लगा दीजिए, एक जीरो से 600 का जीरो कट जाएगा, तो आपके पास 300 कूलम। तो दोस्तों 300 कूलम आंसर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय